दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं युवा बिजनेस आइडियाज के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत खास रहने वाली है क्योंकि मैं एक बहुत ही यूनिक मशीन आपको दिखाने वाला हूं और जो मेरे भाई पहले से आटा चक्की के बिजनेस में है उनके लिए ये मशीन समझो एक वरदान की तरह काम करेगी। इस मशीन के अंदर दोस्तों डबल चैम्बर है, आपकी ग्राइंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी इस मशीन में और सबसे बड़ी जो परेशानी मेरे भाई जो आप लोग फेस करते हैं पुराना जो आटा चक्की रख के उसमें पत्थर टाकने का बड़ा इशू आता है, मैं समझता हूं क्योंकि उसके लिए कारीगर स्पेशल कारीगर आपको रखना पड़ता है और आज की डेट में इस तरह के कारीगर मिलने मुश्किल हो गए हैं और भी उसके कुछ ड्रॉबैक हैं। तो मतलब जरूरी हो गया दोस्तों कि आज आप उस पुरानी टेक्नोलॉजी को इस नई टेक्नोलॉजी की मशीन के साथ रिप्लेस कर दीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं सागर भाई से। सागर भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश भाई आपका भी यहां पे स्वागत है और हमारे सारे व्यूअर्स है उनका भी यहां पे स्वागत है हमारे यहां पे। सागर भाई मैं चाहता हूं कि अपने व्यूअर्स को जैसे मैंने बताया कि जबरदस्त कमाल की मशीन है, इस मशीन की फीचर्स के बारे में बताइए। ये मशीन तो पहले आपको बता दूं ये डबल चैम्बर है, मतलब जो पहले आता था जो पत्थर वाली चक्की उससे तो काफी बेटर है, मतलब टाकने की झंझट मेंटेनेंस की सर, मतलब आपको फीचर्स में एक तो मेन ये है इसमें टाकने की जरूरत नहीं पड़ता है, डबल चैम्बर है, इसके अंदर डायरेक्टली जाली यूज होती है। दूसरा इसके अंदर जो ना उड़ने का प्रॉब्लम होता है, मतलब जो लॉस होता है आपका, ठीक है, एक तो बहुत मतलब बुरा लग रहा है, एक तो किसी पत्थर चक्की में मैं देखता हूँ वो भूत जैसा सब हो जाता है, पूरा शाम तक उसके कपड़े भी पूरा आटे में ऐसे हो जाते हैं, राइट, वो इसके अंदर ये प्रॉब्लम जरा सा भी नहीं, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा मेंटेनेंस का जीरो है, मतलब इसके अंदर कुछ भी मेंटेनेंस ले और सालों का सालों ऐसा ही रहेगा, मतलब मेंटेनेंस जीरो जो आपने बोला सागर भाई, मतलब जो चैम्बर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसका जो चैम्बर है वो MSH मटेरियल से बना होता है, मतलब काफी हैवी मटेरियल होता है तो उससे इसका चैम्बर बना हुआ है। एक बार हमें चैम्बर देख ले। जी जरूर मैं आपको दिखा देता हूं चैम्बर, इसको खोल के अभी देख लो, ठीक है। इसके अंदर जो है ना देखो इन दोनों का चेंबर, हाँ। ये जो है ना 6 मीटर है और अंदर का जो है वो 4 मीटर है, ठीक है, हाँ। तो पहले अंदर के अंदर जो है वो कटिंग होता बड़ा वाला, हाँ। उसके बाद यहाँ से पूरा आगे का चेंबर में से पूरा पाउडर फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। ये हमारा चेंबर हो गया 6 मीटर है, हाँ। और MS मटेरियल है, ठीक है, EN8 का। इसमें सागर भाई कोई ग्रीसिंग वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी? कुछ भी नहीं, जीरो मेंटेनेंस मशीन है, इसके अंदर कुछ करने की जरूरत, सिर्फ आप जाली बदलो, बहुत ही ईजी है जाली बदलना, सिर्फ इसके अंदर जाली डाल दो और आपका काम चालू। और अगर जैसे किसी को दलिया बना के बेचना है या दलिया का काम करना है पैकेजिंग करके, वो हो जाएगा इजीली, आराम से हो जाएगा, इसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और सर अगर हम इसका बॉडी वेट की बात करें तो बॉडी वेट कितना है इसका? इसका जो बॉडी वेट है वो 225 किलो के आसपास मोटर के साथ रहेगा, अगर बिना मोटर के हम लेते हैं तो 175 180 किलो के आसपास रहेगा। मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ऑप्शन है, अगर उनके पास ऑलरेडी पहले से मोटर है तो वो चाहे मतलब ले सकते हैं विदाउट मोटर, हाँ ले भी सकते हैं और हमें चाहे तो हम यहाँ से मोटर दे सकते हैं। जो हमारी इसकी मोटर आएगी वो 100% कॉपर वाइंडिंग आती है, कॉपर वाली मोटर है और जो इसका स्टैम्पिंग है वो सिलिकॉन स्टैम्पिंग हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है इसका जो बिजली का बिल है वो बहुत कम आता है, ये हमारी मोटर की खूबी है। बिजली का बिल पे बात कर लेते हैं सर, बिजली का कितने यूनिट आएगा एक घंटे का? अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 यूनिट लगता है इसके अंदर, 5 से 6 यूनिट रहेगा, हाँ। और इसकी कैपेसिटी की बात करें सर, एक घंटे में कितनी कैपेसिटी? एक घंटे की जो है ना 90 से 100 किलो की कैपेसिटी रहती है। ये तो बहुत है सर, मतलब एक दिन में मुझे लगता है कि लगभग 1 टन माल वो पिसाई कर सकता है आराम से, अगर 8-10 घंटे की शिफ्ट है तो उसके अंदर आराम से इतना माल निकल सकता है, ठीक है। कोई फाउंडेशन वगैरह की इसकी जरूरत पड़ेगी सर? वैसे इसको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हैवी है और इसका जो वाइब्रेशन है बहुत कम है, तो इसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे तो कर सकता है आपने, मैं देख रहा हूं हमने दिए हुए हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने उसको जो है ना पहले से स्टडी किया हुआ है, परफेक्टली उसका बैलेंस फिर भी अगर चाहो तो कर सकते हैं, हमने उस फैसिलिटी दिया हुआ है। अच्छा सागर भाई, कुछ गांव में मैं देखता हूं किसान भाइयों के पास ना वो ट्रैक्टर होता है उनका, हाँ। ट्रैक्टर के साथ जो उससे वो जनरेटर लगा होता है, जनरेटर के साथ में वो चाहते हैं कि उससे हम उनकी, ऐसा ऑप्शन है इसमें? उसके पास अगर बड़ा 10 HP का जनरेटर है, हाँ। तभी वो चल जाएगा, कि इसकी मोटर 10 HP का, अगर उसके पास वो जनरेटर है 10 HP की मोटर चलाने तो चला सकता है, तो चला सकता है वो, ठीक है। सागर भाई एक चीज और बताइए, इस ये किसको मशीन खरीदने में फायदा रहेगा? ये मशीन तो वैसे मैं बताऊं तो कोई भी लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो पहले से पत्थर वाली चक्की यूज कर रहे हैं, हाँ। वो लोग तो इसको खरीद ही करेंगे क्योंकि, हाँ। वो देखने के बाद खरीदना है उनको, ठीक है। अभी जिसको पैकिंग का नया बिजनेस चालू करना है, हाँ। उसके लिए भी ये काफी अच्छी बात है। अगर कोई मसाले का बिजनेस करना चाहता है उसके लिए, या तो फिर कोई धान का बिजनेस करना चाहता है, या तो किसी भी चीज का ग्राइंडिंग करना चाहता है, उन सबके लिए, अगर कुल मिलाकर अगर मैं बताऊं तो कोई भी पीसने वाला या आटा चक्की वाला हो, उन सबके लिए ये सबसे बेस्ट मशीन रहेगा, अब तक का सबसे बेस्ट मशीन है। और स्पेशली मैं कहूँ तो जो पुराना चक्की
को रिप्लेस करना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट करना चाहते हैं, या तो वो अभी चला रहे तो मैं बोलूंगा इसको रिप्लेस कर ही दो आप, क्योंकि ये काफी बेटर मशीन है। ठीक है सर। अच्छा सर, इसमें और क्या टेक्निकल चीजें हम बता सकते हैं अपने व्यूअर्स को? जैसे मैं एक ये चीज देख रहा हूँ सर यहाँ पे, ये नोब किस लिए दिया हुआ आपने? ये लीवर है, जैसे हम ऊपर का होपर में जो माल डालते हैं उसको कितना निकालना है, ठीक है, ये उसके लिए है, ठीक है। और जो आपके पांव के पास ये नीचे रखा हुआ एम्पियर मीटर है, ठीक है, ये लीवर से सेट होता है उसको, ठीक है। हमें इसको जो है ना 17 से 18 एम्पियर तक चलाना है। जैसे इसको हम खोलेंगे तो वहां पर लिखा होता है कितने तक चल रहा है, ठीक है। तो वहां पर जब तक 17-18 आ जाता है तो आपकी कैपेसिटी जो है परफेक्ट आ जाएगी। जैसे कि हमने आपको बताया 90 से 100 किलो होता है, तो यहां से खोलते हैं 17 से 18 एम्पियर जब आता है तब वो उतनी कैपेसिटी आपको मिल ही मिल जाएगी, ठीक है, फाइनली, ठीक है। और इसमें कोई कभी ऐसा चांसेस है क्या सर मोटर फूक जाए या ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम रहेगा किसके जो मतलब है ना, ये आपने एक तरीके से सेफ्टी के लिए दिया है, ये सेफ्टी के लिए आप इस पे ध्यान रखेंगे तो चांसेस खत्म हो जाते हैं। इसके अंदर दो ऑप्शन है, देखो इसका अगर पावर भी दिखा रहा है आगे कितना पावर आ रहा है, लाइन आपकी कितनी कैपेसिटी दे रही है, और नीचे जो है एम्पियर, अगर इसको 18 एम्पियर पे चलाया तो ठीक है, अगर 20 के ऊपर चला तो ऑटोमेटिकली अगर लोडेड हो गया या तो कोई प्रॉब्लम आने वाली तो उससे पहले वो मशीन को रोक हो जाएगा, हाँ वो ट्रिप हो जाएगा, मतलब जो इंसान चला रहा है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी, इन फ्यूचर भी इसको प्रॉब्लम नहीं हो सकता कुछ। अच्छा सागर भाई, मैं चाहूंगा कि एक बार जो ये चैम्बर साइज है ये कितना इंच का चैम्बर है इसमें? इसमें देखो दो चैम्बर है, जो बाहर वाला चैम्बर है वो 14 की साइज है और अंदर वाला चैम्बर है वो 8 की साइज है, 8 इंच और ऊपर का है वो 14 इंच, ठीक है। और ये जैसे आपने बोला कि डबल चैम्बर का कुछ यूज होता भी है या सर ऐसे ही है? नहीं नहीं सर, इसका तो काफी यूज होता है, काफी है। देखो जैसे ऊपर से माल डालते हैं तो पहले जो छोटे चैम्बर में जाता है माल, और छोटे चैम्बर में जाने के बाद वो आधा पीस जाता है, मतलब पूरा कटिंग हो जाता है तो आधा वहां पे पीस जाता है, उसके बाद जो है बड़े चैम्बर में जो बड़ा वाला तो सर मुझे लगता है जैसे जो छोटी मशीन्स आती हैं हल्दी वगैरह ग्राइंड करने के लिए, इसमें शायद एक गो में हो जाता होगा फिर? हाँ आराम से हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा, चलिए अच्छी बात है। और सर ये मटेरियल के बारे में एक बार थोड़ा बताइए, कौन सा मटेरियल इसमें? इसके अंदर हम जो मटेरियल यूज किया वो MS8 मटेरियल यूज किया, लोखंड का एक आता है, वो मतलब सालों साल चलता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता कभी भी, इस तरह का मटेरियल, मतलब एक बार मशीन ले लो बात ही खत्म, बात देखने की जरूरत ही नहीं वहां पे, एक बार इसको ले लिया फिर इसका ना मेंटेनेंस ना कुछ कुछ देखने की जरूरत। इसके साथ कुछ जाली दोगे आप? हाँ सर, इसके साथ जाली आएगी, कुछ इस तरह की आएगी, 7 जाली आती है, ठीक है, एक बार दिखा दीजिए सर हमारे व्यूअर्स को। ये हमारी जालियां है जो इस तरह की 7 जाली आएगी, ये सबसे बारीक वाली जाली है जिसके ऊपर देखो यहाँ पे हमने नंबरिंग किया हुआ है 1, 2, 3, 4, यानी कस्टमर को परेशानी ना हो। इसके अंदर जो है सबसे बारीक होगा, ठीक है, ये एक नंबर है, उससे थोड़ा मोटा चाहिए तो 2 नंबर में, उससे भी थोड़ा मोटा चाहिए तो 3 नंबर, इस हिसाब से सीक्वेंस से 7। अगर किसी को दलिया करना है तो ये लास्ट वाली जो जालियां है उसके अंदर हम आपको दलिया कर सकते हैं, ये वाली जो जाली है इसके अंदर हम आपको दलिया कर सकते हैं, ये 7 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से नंबर में कौन सा जाली आएगा, ठीक है। आप एक बार उसको उठा के देखो आप कितनी हैवी जाली है, जाली है सर, बहुत हैवी है, और इसका जो मटेरियल है वो डबल कोटेड है, ये जो है ना वो डबल कोटेड है, डबल लाइनिंग वाली जाली है, कोई रस्ट लगने के चांसेस हैं? कुछ भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये जाली को कुछ प्रॉब्लम नहीं, हाँ इनकेस कोई एक्सीडेंट होता है तो बात अलग होती है, बाकी ये सालों साल चलने वाली चीज है। इसके अंदर देखो डबल सेट चाहिए तो मंगा सकते हैं? हाँ वो हमसे मंगवा सकते हो आप, और कोई जो मशीन का स्पेयर पार्ट का भी उसको जरूरत पड़ता है कुछ? इसके अंदर वैसे तो कोई खराब होने वाली चीज है ही नहीं, अगर कुछ ऐसा चाहिए आपको तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें, हम यहाँ से सारे चीज भेज देंगे, ठीक है। अच्छा सागर भाई, मैं एक चीज मैं इसमें नोट कर रहा हूँ, ये इधर आपने एक पाइप दिया हुआ, ये किस लिए? ये जो पाइप है हमारा, ये एक छोटा ब्लोअर है, ठीक है, जो यहाँ से आधा पीस के निकलेगा, इसको वो मतलब हल्का सा गर्म नहीं होने देता, थोड़ा सा ठंडा रखता है, कूलिंग में उसको हेल्प करता है, कूलिंग में हेल्प करता है, गर्म हवा जो यहाँ से निकल जाती है, मतलब जो चेंबर है उसको हल्का सा ठंडा रखता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, अगर ये मशीन ले लिया आपका उसने, ठीक है, कितने घंटे उसको कंटिन्यूसली वो काम कर सकता है? वैसे तो सर ये मशीन की कैपेसिटी तो फुल है, बट डिपेंड करता है आप किस तरह चलाते हो, बाकी इसकी कैपेसिटी फुल है, आप अपने हिसाब से चला सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये सालों साल चलने वाली मशीन है तो इसको क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है सर। अच्छा सागर भाई, आपकी बात सुन के मेरा मतलब मन कर रहा है, और मुझे लगता है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी चाहेंगे कि यार इतनी देर से भाई बताए जा रहे हो कुछ कुछ चीजें, वो एक बार हमें देखना भी चाहेंगे, और मैं भी पर्सनली देखना चाहता हूं कि एक बार इसकी ग्राइंडिंग किस तरीके से निकलती है सर जी। और पहले मैं चाहूंगा सर, जैसे जितनी भी YouTube पे मैं मशीन देखी है मैंने, जितनी वीडियोस देखी हैं, वो दलिया वगैरह बना के नहीं दिखाते, एक मुझे आप इसमें दलिया बनाओगे, तो दूसरा आइटम मुझे आप आटा ग्राइंड करोगे सर, तीसरा कुछ और जैसे नमक वगैरह, नमक का भी हमने कभी नहीं देखा किसी YouTube चैनल पे, होता ही नहीं नमक का, सारे मशीन में होता है, बट अपने में आराम से हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में काम करते हैं उनको ग्राइंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो वो हम 3 प्रोडक्ट का डेमो देखना चाहेंगे सर इसमें जी। चलो दिखा देते आपको मुकेश, मैं आपको डेमो से पहले एक बार दिखाता हूं इसका किस तरह से फिटिंग होगा, ठीक है। पहले तो अपना जो है ये होता है, ये इसके साथ ही आता है, इसको यहाँ पे आपको लगा देना है कुछ इस तरह से, बहुत इजी है। इसके बाद जाली कैसे लगाते हैं वो एक बार दिखाता हूँ आपको, ये इसका लॉक है, इसको हम खोल देते हैं पहले एक बार इस तरह से, ठीक है, और ये जाली डालना बहुत इजी है, इस तरह से इसको अंदर हम डालते हैं,
बस कुछ नहीं है कि बहुत ही इजी है, यू डाला ये अंदर चला गया। और खास इसको जो है ना जाली को पूरा अंडर डालते हैं, यहाँ पे टच हो जाए इस तरह से, आप एक बार दिखा दो कि ये जो है ना पूरा इस तरह से टच होना चाहिए वहां पे सामने यू, ठीक है। उसके बाद इसको लॉक कर देते हैं हम, ये इसका लॉक है जिससे इसको लॉक हो जाएगा पूरा, ये इसको हमने लॉक कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं और अंदर डालते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। अभी हम जो है ना दलिये की जाली डाली है हमने, हाँ। तो उससे स्टार्ट करते हैं, मतलब अभी हमने 7 नंबर जाली यूज करा है। हाँ, 7 नंबर जाली यूज करा है और उसका हम दलिया बनाएंगे कुछ इस तरह से, देखो। उसके बाद हाँ। हम इसको मशीन को स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये लॉक हो चुका है हाँ। हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये मशीन स्टार्ट, देखो इसको हम खोलते ही इसको इस तरह से खुलता है, वहां पे एम्पियर बढ़ने लगेंगे वहां पे। मुकेश भाई अभी ये हो गया है, आपको ये दिखा दो, ये जो है एम्पियर मीटर, हाँ। दलिये है तो इसको 8-10 एम्पियर काफी हो जाए, जब पतला पिसेंगे तब वो एम्पियर बढ़ाएगा, जब वो लोड लेगा तब, हाँ। फिलहाल आपकी मशीन लोड नहीं ले रही, मतलब इसको जरूरत नहीं पड़ती, ये अच्छी वाली मशीन है इसलिए इसका, पर जब पतला करेंगे तब वो 18 तक जाएगा, ठीक है हाँ। और उसके बाद इसको आप दिखा देते हम आपको किस तरह से ये पीसा हुआ है, देखिए आप एक बार इसको, देखिए आप काफी बेहतर क्वालिटी के हुआ है ये दलिये का, आप देखो कितना बढ़िया दलिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, देखिए आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बहुत 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 फाइन हुआ है, सही है, काफी बढ़िया होता है, अच्छा है, बढ़िया मशीन है यार, लाजवाब, इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो अभी हम नेक्स्ट डेमो देख लें, हाँ अभी जिस इसको जो ना बारीक पिसाई करके दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। अभी तो ये मोटा हुआ दलिया हो गया, पर एक नंबर जाली में किसा पिसाया था वो आपको दिखा दे एक बार फिर से, एक बार डेमो कर करके देखते हैं। चलो मुकेश भाई, तो मैं आपको जो है ना एक बार गेहूं के लिए बता देता हूँ, गेहूं के लिए जो है ना अभी हम आपको एक नंबर की जाली यूज कर रहे हैं, इसको इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, जैसे पहले लगाया सेम वही प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस। और नमक के लिए भी अपने को एक नंबर या दो नंबर कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है सर। चलिए अभी फिर गेहूं का एक डेमो देख लेते हैं, ठीक है सर, ठीक। अभी ये 8.3 एम्पीयर दिखा रहा है, हाँ 8.3, कितना हमें लेके जाना है, 17 एम्पीयर तक, 17 एम्पीयर तक लेके जाना है इसको हमें, तो जब तक 17 एम्पीयर नहीं आ जाए जब तक हमें वो लीवर खोलते रहना है, हाँ ये लीवर में वापस खोलना है जब तक 17 एम्पीयर ना हो, ये तो ये बढ़ने लगा, मुकेश भाई। तो अभी ये हो गए सारे गेहूं, अब आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से इसके अंदर पिसा है, इसको हम खोल के एक बार देखते हैं। आप आ जाइए यहाँ पे एक बार इसको देख लीजिए आप, ठीक है, बिल्कुल फाइन क्वालिटी, बहुत अभी हमने एक नंबर जाली से पिसाई, हाँ, अभी एक नंबर पे किया हमने, हाँ। प्योरली पाउडर पाउडर फॉर्म में है ये, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है, बेहतरीन। और इसके बाद हम जो है ना आपको इसके अंदर नमक कैसे होता है वो भी अभी करके आपको एक डेमो ले लेते हैं उसका भी हम, ठीक है सर, ठीक, ठीक है ना, ठीक है। अभी ये जो अपने पास ये नमक है ये वाला, ठीक है, और जाली और दो हमने पहले जिस तरह से उस तरह से हम फिट कर दिया हमने, हाँ जी, ठीक है। अब डायरेक्टली नमक की आपको दिखा रहा हूँ मैं, और इसको हम अभी स्टार्ट कर दें, इसके अंदर हमने जो ना आज नमक पीस के दिखा दिया, वैसे आपने कभी नहीं देखा होगा नमक को पीसते हुए, बट मैं आपको इसके अंदर डेमो भी करके दिखाया, अभी देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आया है। देखिए ये नमक है, एकदम करकरा हुआ है और काफी बेटर है ये, बिल्कुल फाइन क्वालिटी, हाँ, दिखाइए एक बार, हाँ, सागर भाई, हाँ बिल्कुल मस्त आया,
बढ़िया है ना। हाँ, ये नमक है, हमारे मशीन में आराम से हो जाते हैं, तो जिनको भी इसकी रिक्वायरमेंट हो हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। सागर भाई मजा आ गया डेमो देख करके, लाजवाब डेमो, जितने प्रोडक्ट मैंने बोला था वो आपने डेमो अच्छे से करके दिखाया, और मुझे उम्मीद है पूरा मशीन्स मेरे व्यूअर्स को जरूर पसंद आएगी। अब एक चीज ये बता दीजिए, अगर इसको कोई खरीदना चाहता है तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी फैसिलिटी मिलेगी उसको? सभी जगह पे, ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी हम सभी जगह पे भेजते हैं, आउट ऑफ इंडिया और इंडिया में, सभी जगह पे ये मशीन को आपको पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, प्राइस बता सकते हैं सर? प्राइस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है ना प्राइस अभी नहीं बता, आइडिया दे दो सर, रफली आइडिया दे दो, 90 से लाख के बीच का पकड़ के चलो, इसके अंदर लाख रुपए के अंदर अंदर आ जाएगा। ठीक है, और मतलब जो लेना है तो कैसे, मतलब कुछ आपको, एक तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं देखता हूँ सागर भाई, मतलब लोग वीडियो बनवाते हैं फिर फोन नहीं उठाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना भाई? कभी भी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना सारे अलग अलग नंबर दिए, एक नंबर आपके पास तो दिख रहा है वो आपके पास एक ही नंबर है। हाँ। पर हमारा जो कॉल सेंटर है वो बहुत बड़ा है। हाँ। तो नंबर डाइवर्ट होते रहते, तो आपका अगर कॉल कभी वेटिंग में नहीं आएगा और लगी जाएगा, और हम यहाँ पे कॉल रिसीव ही करेंगे, क्योंकि हमें इसको दे रहा है, आपको सर्विस देनी ही देनी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मशीन्स पसंद आई होगी आपको, वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इसको शेयर कीजिए, किसी के काम आ सकती है ये वीडियो। और आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मिलूंगा किसी दूसरी वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ में। थैंक यू दोस्तों जी।